शिक्षा के ये शुभ सुमन स्वीकृत हो श्रीमान। मगध राज्य का ये चरित सादर करूं बखान। मगध नरेश का नाम नंद था, प्रस्तुत करूं कहानी। कैसे बुद्धि विवेकहीन कहलाता नर अज्ञानी। यही सारांश कथा का, बालकों लेना शिक्षा। एक दिन नंद नृपतिवर बैठे थे निज भवन, तभी प्रहरी यूं बोला आकर। स्वामी की जय हो, एक युवक आपसे मिलना चाहता है। जाओ उसे ले आओ, क्यों मिलना चाहता है। मगध सम्राट को मेरा प्रणाम। युवक कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा नाम, क्यों हो मिलना चाहते, क्या है मुझसे काम। वंश मोर मम भूपवर, चंद्रगुप्त है नाम, सैनिक बनकर आपकी सेवा चाहता गुणगान। तुम्हारी भावना का आदर करता हूं युवक, प्रहरी ले जाओ इसे सेनापति के पास, शपथ दिलाकर युद्ध का करवाएं अभ्यास। प्यारी भोली नटी, प्यारी भोली नटी, दृश्य ये देखा तूने, सच्ची लगन हो जिसकी वो सब कुछ पाता है। अरे सच कहते हो। अच्छा सच कहते हो, सैनिक क्या क्या सेनापति, अपने दृढ़ विश्वास से एक दिन वो राजा भी बन जाता है। सैनिक बनकर, अजी हाँ सैनिक बनकर, चंद्रगुप्त ने कठिन परिश्रम कर दिखलाया। तभी एक दिन, अच्छा तभी एक दिन मगध राज्य के राजा के मन विचार आया। चंद्रगुप्त की मेहनत लगन ने मुझे, महामंत्री है इतना, प्रभावित किया। मगध का सेनापति इसको दूं मैं बना, ऐसा निर्णय हृदय में मैंने लिया। भूप शिरोमणि आपका उत्तम उचित विचार, चंद्रगुप्त अति योग्य है सेना का सरदार। महाराज के निर्णय का स्वागत है, स्वागत है। तो इसी क्षण में ये घोषणा करता हूँ, चंद्रगुप्त मगध का है सेनापति। श्री महाराज मगध की सुरक्षा के हित, चंद्रगुप्त देगा प्राणों की भी आहुति। वीर सेनापति चंद्रगुप्त की जय। मगध नरेश महाराज नंद की जय।
चंद्रगुप्त सेनापति बना पाए आदेश, किंतु राज्य में फूट वो पड़ी, पड़ गया क्लेश। जो असंतुष्ट थे वो चाले अपनी तन लगे, जो असंतुष्ट थे वो चाले अपनी चलने लगे, नंद से चंद्रगुप्त की बुराई करने लगे। एक सेवक को सिखा कर भेजा नपति के पास, ताकि टूटे चंद्रगुप्त से राजा का विश्वास। राजेश्वर की जय हो। आओ गुप्तचर, आओ, कोई विशेष समाचार? कैसे सुनाऊं समाचार महाराज, कांपती है जीव्या हृदय है, निकला वही गद्दार हुआ अभी जिसका उदय है। चंद्रगुप्त है गद्दार क्या साक्ष्य है, कोई है जो प्रमाण तू दे पाएगा? लीजिए इससे बढ़कर प्रमाण नहीं, इसको पढ़कर कलेजा दहल जाएगा। ओह विधाता, ये छल मेरा खा कर नमक, करता गद्दारी वो जाओ हो वो जहां, बेड़ियों से जकड़ उसको लाओ पकड़, अति कठिन से कठिन दंड दूंगा यहां। जो आज्ञा महाराज। सुनी हुई बातों पर यूं विश्वास जमाना नहीं चाहिए, बिन बूझे समझे कोई फैसला सुनाना नहीं चाहिए। आखिर आगे क्या हुआ? अरे हुआ क्या, चंद्रगुप्त को सैनिक लाए तुरंत पकड़, पेश किया दरबार में लाकर जंजीरों से लिया जकड़। सपने में भी न मैंने ऐसा कभी था सोचा, सपने में भी न मैंने ऐसा कभी था सोचा, तू चंद्रगुप्त आखिर विश्वासघाती होगा। राजद्रोही को जा कैद में डाल दो, दाने दाने को तरसे ये वो दो सजा। राजद्रोही कहे मत दें कुछ भी सजा, मिथ्या आरोप राजन है मुझ पर लगा। चंद्रगुप्त मुझे कुछ भी सुनना नहीं, इसको ले जाओ आज्ञा का पालन करो, देखना इसकी सूरत महापाप है, आंखों से दूर राज्य का दुश्मन करो। देखिए किस तरह करवट समय बदलता है, कैसे चाणक्य से चंद्रगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त चाणक्य ने मिलकर सेना नई बनाई, किया आक्रमण मगध पे तो दोनों ने मुंह की खाई। चंद्रगुप्त चाणक्य ने लेकिन मन में किंचित हार न मानी, पुनः आक्रमण किया मगध पर, है इतिहास की अमर कहानी। मगध नरेश भागिए, चंद्रगुप्त सेना सहित महल में प्रवेश कर चुका है। ये चंद्रगुप्त विद्रोह कभी ना करता, यदि अविश्वास उस वक्त ना उस पर करता।
अब गया हाथ से सिंहासन सम्मान, सुनी हुई बातों पे किया विश्वास हुआ नुकसान। बंदी कर लो इस धूर्त मूर्ख राजा को। मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। इस तरह नंद राजा को बंदी किया चंद्रगुप्त मौर्य राजा मगध का बना। महामंत्री नियुक्त है चाणक्य हुए, एक गलती का राजा को फल ये मिला।